गुजरात में वापी जिले का राता तालुका में सोमवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा उपाध्यक्ष शैलेश पटेल पत्नी के साथ शिव मंदिर पहुंचे थे। इसी दौरान एक बाइक पर आए अज्ञात तीन युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। शैलेश को तीन गोलियां लगी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। प्राथमिक जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। शैलेश पटेल हर सोमवार को पत्नी के साथ शिव मंदिर जाते थे। आज सुबह भी करीब 7:15 बजे मंदिर पहुंचे थे। दर्शन के बाद शैलेश कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर पत्नी के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक उनकी कार से पास आकर रुकी और बाइक पर बैठे एक शख्स ने कार की खिड़की से उन पर फायरिंग कर दी। 4 राउंड फायरिंग में शैलेश को 3 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। वारदात के करीब 5 मिनट बाद पत्नी मंदिर से बाहर आई तो उन्होंने कार के गेट से खून टपकता देखा। शैलेश की खून से लथपथ लाश देखकर वे चीख उठी और वहीं बेहोश हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। वापी जिले से भाजपा नेताओं की काफिला भी राता गांव पहुंच गया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।